सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। नेताजी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर समाजवादी पार्टी ने उनकी बहू और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। पहले ऐसी चर्चा थी कि सपा मुलायम सिंह यादव के भाई के पोते तेज प्रताप सिंह यादव को टिकट दे सकती है। तेज प्रताप पहले भी मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में मुलायम सिंह यादव की सीट पर उनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन बाद में सपा ने डिंपल यादव को चुनाव में उतार दिया। हम लोग नॉमिनेशन करा के आए हैं समाजवादी पार्टी से, डिंपल यादव यहाँ की प्रत्याशी, उसके लिए फॉर्म भर करके हम लोग आए हैं। सभी लोगों ने पार्टी के लोगों ने तय किया और बहुत सारे लोगों से बातचीत के बाद डिंपल यादव का नाम तय हुआ। सोमवार को डिंपल यादव के नामांकन के बाद अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी ये सवाल उठा कि आखिर उन्होंने मैनपुरी में सांसद जी के नाम से जान पहचान रखने वाले तेज प्रताप यादव को टिकट क्यों नहीं दिया। इस पर अखिलेश थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने पत्रकार को चुप करा दिया और कहा कि आप मैनपुरी के पत्रकार हैं, अपना सवाल अपने पास रखें। उन्होंने आगे सवाल किया कि तेज प्रताप को टिकट ना मिलने से स्थानीय सपा कार्यकर्ता दुखी हैं। इस पर भी अखिलेश ने साफ कोई जवाब नहीं दिया। लगातार पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव का मैनपुरी से नाम चल रहा था, अचानक से नाम हट गया और डिंपल जी का नाम आ गया, इसका क्या रीजन? ये आप मैनपुरी के पत्रकार हैं, इसलिए आप अपना सवाल अपने पास रखिए। नहीं, सांसद जी के नाम ना आने से काफी कार्यकर्ताओं में सभी लोगों ने दुखी नजर आ रही है। सभी लोगों ने पार्टी के लोगों ने तय किया और बहुत सारे लोगों से बातचीत के बाद डिंपल यादव का नाम तय हुआ। तेज प्रताप का नाम ना आने से कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। आप मैनपुरी के हो और बहुत अच्छा, मैंने बधाई आपको जो सवाल पूछ रहे हो आप, और आपको ना तेज प्रताप से पूछ लेना चाहिए बगल में बैठ। सपा प्रमुख ने कहा कि आप मैनपुरी के हो, बधाई आपको जो सवाल पूछ रहे हो, और आपको तेज प्रताप से सवाल पूछ लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सभी लोगों ने, पार्टी ने तय किया कि डिंपल चुनाव लड़ेंगी। बहुत सारे लोगों से बातचीत के बाद ये नाम तय हुआ है। अखिलेश ने ये भी साफ किया कि बाकी उपचुनावों से अलग वो मैनपुरी में प्रचार भी करेंगे। पूरा परिवार सब साथ हैं और चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। मैं चुनाव प्रचार में रहूंगा। मैं चुनाव प्रचार जिस दिन से आया हूँ उसी दिन से चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। आपको बता दें कि मैनपुरी से डिंपल यादव को उतारने के पीछे शिवपाल की बगावत की आशंका बड़ी वजह बताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मैनपुरी उपचुनाव में भतीजे से तल्ख रिश्तों की वजह से शिवपाल सपा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अगर डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया जाता है तो शायद चाचा इसका विरोध नहीं कर पाएंगे।